जवाहरलाल, सुना है कि मुसलमानों का लीडर बहुत जहीन है, चलो इसकी जहानत का इम्तिहान लेते हैं। जी गांधी जी, हम उसकी जहानत का इम्तिहान लेंगे और उसका मजाक बनाएंगे। मिस्टर जनाब, अक्ल और दौलत में किस चीज को पसंद करेंगे? मैं दौलत को पसंद करूँ। हाँ, मुसलमानों, तुम्हारा लीडर तो दौलत का ख्वाहिशमंद है, ये तो दौलत का पुजारी है, इसका कहना क्यों मानते हो, इसके पीछे क्यों चलते हो? गांधी जी, मेरी बात गौर से सुनो, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो उसी का ख्वाहिशमंद होता है। तुम्हारे पास अकल की कमी है, वो तुम ले लो। चलो कोई और फ्रेम देते हैं। मिस्टर जना, तुम कितने फजूल खर्च हो, तुम्हारी कौम कितनी गरीब है और तुम कितना महंगा लिबास पहनते हो। हमारा लीडर किस कदर अकलमंद है, फजूल खर्ची नहीं करता। जवाहरलाल, मेरी बात गौर से, मैं जो लिबास पहनता हूँ वो मेरी अपनी कमाई का होता है, मगर तुम्हारा लीडर जो धोती पहनता है वो कांग्रेस के फंड से खरीदी जाती है। समझ तो नहीं आती, मगर इतना पता है कि ये जो भी बात करता है वो हमारे फायदे की बात है और हमारे दिल की बात है। मुझे हजार रुपया दे दो मैं शोर मचा दूंगी। ये तो गूंगा था, ये बहरा था, इसको कुछ सुनना नहीं आता था। ये मुसलमानों का लीडर है और वो जहीन है, तुम इसे फ्रेम ना दे सकी। मुसलमान एक अलहदा कौम है, क्योंकि उनके रस्म व रवाज, रवायात, तहजीब और सकाफत और सबसे बढ़कर इनका मजहब जुदा है। सदियों से साथ रहने के बावजूद हिंदू और मुसलमान जुदागाना पहचान रखते हैं। अगर बरसगीर मुतहिदा आज़ाद हो जाता है तो मुसलमानों के हकूक की हिफाजत नहीं होगी। जिंदाबाद पाकिस्तान।